चलिए आज थोड़े थोड़े मिसलेनियस टॉपिक्स हैं हमारे, वो करेंगे हम लोग। सबसे पहला टॉपिक उसमें आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। कोई चार्ज है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है और हम किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये चार्ज है क्यू, ये इस तरह से मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी वी। ये कोई पॉइंट है पी जहां पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं इस इंस्टेंट पे, जब चार्ज यहां पे प्रेजेंट है। से द चार्ज इज एट पॉइंट ए, एट द इंस्टेंट द चार्ज इज एट ए और एंड इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी एज शोन इन फिगर। हम फील्ड निकालना चाहते हैं यहां पे। देखो तो बायोट सावर्ट लॉ से हमें पता है कि डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब होता है। ये करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए था। फर्दर हमारी नॉलेज कहती है कि आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, और डीएल वेक्टर यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ये चार्ज यहां से यहां मूव करके आया, तो ये छोटी सी लेंथ जो होगी यहां से यहां तक की, ये लेंथ डीएल हो जाएगी हमारे पास डीएल। और आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर आर वेक्टर हो जाएगा। इसको ऐसे कर दे तो ये वेक्टर हो गया हमारे पास आर। तो डीएल वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डीएल वेक्टर कैन बी रिटन एज वी डी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या करने वाले हैं हम, डीएल की जगह वी डी टी, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो डीवी मिलेगा हमारे को, डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह मैंने लिख दिया वी डी टी, सॉरी आई की जगह डी क्यू बाई डी टी, आई की जगह लिखा डी क्यू बाई डी टी इस आई की जगह, डीएल की जगह लिख दिया वी वेक्टर इंटू डी टी और ये क्रॉस आर वेक्टर एज इट इज अपॉन आर क्यू एज इट इज। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डीवी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये डी टी कैंसिल आउट हो गया, डी क्यू बाद में लिखूंगा, ये बचा वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू और एक साथ में बच गया ये डी क्यू का। इसे इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि हमें पूरी फील्ड बी मिल जाए। तो बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीवी, सारे टर्म कांस्टेंट है एक्सेप्ट डी क्यू, तो बाकी सारे टर्म्स को इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू इंटीग्रेशन डी क्यू। ये इंटीग्रेशन हम समेशन के लिए कर रहे हैं, इस चार्ज को हम छोटे छोटे चार्जेस के लिए समझ रहे थे। तो टोटल चार्ज जो मूविंग है वो हमारे पास क्यू हो गया है, तो ये क्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज आ गया एक्सप्रेशन। तो हम इस तरीके से किसी मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं।
ये हमारा पहला सब टॉपिक था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक अल्फा पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या चलो कुछ वेलोसिटी ले लेते हैं, एंड अल्फा पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी से 3×10³ मीटर पर सेकेंड। इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी इक्वल्स टू 3×10³ मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Along positive x-axis on a line, line की equation दे दी आपको y equals to 10 meter, ये line की equation दे दी, ये y axis है, it is moving on a line y equals to 10 meter with this velocity. हमसे कहा एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है 20 मीटर कॉमा 0 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का नाम पी है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी बता दीजिए उस इंस्टेंट पे व्हेन द पार्टिकल इज ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट हो गया हमारे पास, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी पता है, तो अब हमें चाहिए था ये वाला वेक्टर, ये आर वेक्टर है। इस आर वेक्टर को देखें तो ये आर वेक्टर कितना हो गया, इसके दो कंपोनेंट्स हैं आर वेक्टर के, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है ना। तो आर वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स हैं उसमें से एक तो हो गया 20 मीटर आई गैप, और दूसरा हो गया -10 मीटर जे क्या, ये आर वेक्टर हमने कंक्लूड कर लिया। अब अल्फा पार्टिकल गिवन है तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें पहले से पता है, अल्फा पार्टिकल में जो है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो दो प्रोटॉन के बराबर चार्ज हो गया, इसका मतलब इसका चार्ज हो गया प्लस 2×, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर जो चार्ज होता है वही प्रोटॉन का होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ये हमारे को इसका चार्ज पता है, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4π। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया था ना, तो ये भी क्यू हो गया हमारे पास, इंटीग्रेशन के बाद दिस इज क्यू। अब हम क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4π की जगह 10⁻¹⁷, Q की जगह पे Q की वैल्यू, V की जगह पे V की वैल्यू दी गई है, R की जगह R वेक्टर की वैल्यू करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। V एज अ वेक्टर पता है, R एज अ वेक्टर पता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे। इसको आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम लगती है तो वो पूछ सकता है। अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, इसी में एक मिसलेनियस टॉपिक, ये था हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। अब अगला टॉपिक जो है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलेटिंग चार्ज। ये एक सर्कल है, एक चार्ज पार्टिकल इस सर्कल में सर्कुलेट कर रहा है, मान लो दिस इज ओ द सेंटर ऑफ द सर्कल, किसी इंस्टेंट पे ये चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है एट पोजीशन पी एंड इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी, इस पॉइंट पे पी पे प्रेजेंट है चार्ज पार्टिकल क्यू है, ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, वी की जगह हो सकता है हमें ओमेगा गिवन हो, तो हमें मालूम है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। अब हमारे को निकालनी है फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल।
तो देखो अब तक हमें मालूम है किसी मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो वी नो। तो मान लो सेंटर पे जो फील्ड होती है वो बी नॉट होती है, अगर हम मूविंग चार्ज की तरह से लें कि इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी वी है, इसके अकॉर्डिंगली कंक्लूड करें तो बी जो है इन मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन तो आपको क्लियर ही है, आर वेक्टर आपके पास ये वाला वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी पता है, वी भी पता है आपको, तो इसे मैं चलो वेक्टर में लिख देता हूँ, जो भी होगा आप सब्स्टिट्यूट करते रहना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया, होता था हमारे पास क्यू वी क्रॉस आर, क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, अभी फॉर्मूले में लिख रहा हूं मैं, एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, अपॉन आर क्यू, ये फॉर्मूला हमने कंक्लूड किया था। अब इस फॉर्मूले में हम आ जाते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे, तो बी नॉट हो गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, जो चार्ज गिवन है वो क्यू ही गिवन है, तो क्यू की जगह क्यू आ गया, वी अगर हमें गिवन है तो वी ही गिवन है, ये वाला आर बदल गया, ये कैपिटल आर वेक्टर हो गया, मोर प्रिसाइसली कहो नेगेटिव आर वेक्टर हो गया। अपॉन आर क्यू हो गया। अब मान लो अगर हमारे को इंस्टेड वी ओमेगा गिवन होता तो हम क्या करते, अब हमें मालूम है वी जो होता है, वी नो वी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो इसका मतलब है इस वी को हमें रिप्लेस करना होगा ओमेगा क्रॉस आर से, ये आर भी चेंज हो जाएगा, सॉरी आर क्यू। तो अब क्या हो जाएगा, बी नॉट देखें, बी नॉट वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू की जगह तो क्यू लिख लिया हमने, वी की जगह लिखा ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर लिखा, क्रॉस माइनस आर लिखा, अपॉन आर क्यूब लिखा। आप माइनस चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, पहले आप ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो ओमेगा और आर दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर से प्रोडक्ट वेक्टर मिलेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ये माइनस तो मैंने इधर लिख दिया, तो आर वेक्टर के साथ फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे एंड यू विल गेट द अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, नहीं तो डायरेक्शन तो आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो, आपको मालूम है आउटवर्ड है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा वो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूड हो गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलेटिंग चार्ज लिख सकते हैं। एक बार इसका मैग्नीट्यूड लिख दें तो हमें मालूम चल जाएगा, बी नॉट का सपोज मैग्नीट्यूड लिख दूं मैं, डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से भी आप निकाल लोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो मैंने एज इट इज लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू को क्यू लिख दिया। जब इन दोनों की प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा और इनके बीच का एंगल का साइन आएगा। अब मोशन प्लेन में हो रहा है तो ओमेगा प्लेन के परपेंडिकुलरली होगा और यह एंटी क्लॉकवाइज सेंस का है तो आउटवर्ड होगा, तो ओमेगा वेक्टर आउटवर्ड है और आर वेक्टर जो है वो इस तरफ डायरेक्टेड है, यानी कि इन दो वेक्टर ओमेगा और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ओमेगा और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ओमेगा आर साइन 90 ओमेगा आर ही मिल गया मैग्नीट्यूड में, इस माइनस आर का भी मैग्नीट्यूड तो आर ही है, तो एक आर ये मिल गया, यानी कि ओमेगा आर ये मिला था, आर से मल्टीप्लाई हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया ओमेगा आर स्क्वायर, नीचे फिर मैंने स्मॉल आर लिख दिया आर क्यूब, आर स्क्वायर से इस आर क्यूब का डिवीजन करें तो नीचे आर बच जाएगा, ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर बच गया क्यू और ओमेगा, क्यू ओमेगा और नीचे क्या बच गया आर बच गया। तो ये हमारे पास सर्कुलेटिंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ आ गई, ठीक है, इस वे में हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें बोहर का हाइड्रोजन एटम दे दिया जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन बता दिया जाए वो कौन सी ऑर्बिट में मूव कर रहा है और हमसे पूछा जाए कि भाई क्या कहते हैं बताओ आप जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी न्यूक्लियस वाली पोजिशन पे मैग्नेटिक फील्ड, तो केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, लेटर ऑन फिजिक्स में भी पढ़ोगे, तो आपको मालूम है कि अगर आपको ऑर्बिट का नंबर मालूम है तो आपको वेलोसिटी भी निकालनी आती है, वहाँ पे ओमेगा भी निकालना आता है, काइनेटिक एनर्जी का भी पता होता है यानी कि वी भी पता होता है, तो सब कुछ आपको नोन टर्म्स हैं, सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो इस तरह से हम इसे वर्कआउट कर सकते हैं। अब हम अगले मिसलेनियस टॉपिक पे चलेंगे अपने।
मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ स्पिनिंग चार्ज्ड रिंग, हमारे पास एक रिंग है सर्कुलर रिंग जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगी, से उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी, वो अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही है और इस रिंग के एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। यानी कि ऐसे समझ लो कि ये सर्कुलर रिंग हो गई हमारे पास, दिस इज द सर्कुलर रिंग, ये इसका सेंटर हो गया, ये इस रिंग की एक्सिस हो गई, ये हमारा कंसर्न पॉइंट हो गया से P, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, O सेंटर ऑफ द रिंग हो गया, O से P तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कि X है, रेडियस मान लेते हैं इस रिंग की R है, लेट्स कंसीडर द रेडियस ऑफ दिस रिंग टू बी कैपिटल R, इस पे से पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही है, सपोज इस सेंस में ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ठीक है। अब हम इसकी वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं, अगर ये डिस्क स्पिन कर रही है तो हर छोटा छोटा पार्ट इसका जो है उसके पास वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी रिंग के हर एक पार्ट के पास, जो कि आर ओमेगा से दी जाएगी। इसका मतलब है इसमें बहुत छोटे छोटे डी क्यू चार्जेस हैं विच आर मूविंग, ठीक है ना। अब डी क्यू चार्ज मूव कर रहा है तो पहले तो हम चाहें तो डी भी निकाल सकते हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लें इसका, कोई भी छोटा सा पार्ट ले लो, सपोज ये छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, ये पार्ट इस वक्त इस तरह से इसके पास वेलोसिटी प्रेजेंट होगी भी, ये छोटी सी लेंथ ले ली हमने कुछ, इसके पास छोटा सा चार्ज मान लिया डी क्यू है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम चाहें तो लिख सकते हैं फॉर्मूले से, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इंटू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अगर आपने ये वाला एलिमेंट लिया है तो आर वेक्टर इस तरह से सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, माइनस आर वेक्टर कह देता हूं, माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अगर हम सारे पार्ट्स की ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट जो भी हैं उन सबकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इसका वेक्टर समेशन कर दें, सब जगह V माइनस तो अपने इधर लिख दिया, V और R के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, V टेंजेंशियल होगा, R वेक्टर जो है वो रेडियल वेक्टर है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम इसकी चीज को लिख सकते हैं अब डीबी इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, या इसको ऐसे लिखते हैं वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू इंटू डी क्यू, ठीक है। अब अगर इसे हम इंटीग्रेट कर दें, हर छोटे पार्ट की फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, इस छोटे से पार्ट को लोगे तो उसका करंट ऐसे हो जाएगा फील्ड आउटवर्ड, इस छोटे से पार्ट को लोगे उसका करंट इधर हो जाएगा फील्ड आउटवर्ड, तो सबकी फील्ड आउटवर्ड ही है, ये डीबी सभी के लिए सेम डायरेक्शन की आ रही होगी, आउटवर्ड आ रही है, आप चाहो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, तो अभी मैंने वेक्टर में लिखा हुआ, डायरेक्शन अपने से कंक्लूड करके राइट हैंड थंब रूल से लिख सकते हो आप। अब अगर इसे मैं जो हूँ टोटल फील्ड निकालना चाहता हूँ तो टोटल फील्ड निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो B इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यू, DQ का इंटीग्रेशन करेंगे टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, दिस विल बी द टोटल चार्ज। अब अगर जो है क्यू की जगह में लैम्डा दिया गया है तो इसी चीज को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं,
b equals to minus mu naught upon 4 pi v vector cross r vector upon r cube, और ये हो गया 2 pi r into lambda, 2 pi r into lambda. इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो b equals to minus mu naught upon 4 pi v vector 4 pi t, sorry 2 pi से इसको कैंसिल किया तो यहां 2 आ गया मेरे पास, ठीक है, v vector cross r vector into 2 pi, ये कैंसिल कर चुके हैं, r से एक r भी कैंसिल कर लेते हैं, तो यहां लैम्डा बचेगा, यहां पे r बचेगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना. अब ये v cross r के टर्म में आ गया हमारे पास. ये जो फील्ड निकली है वो सेंटर पे निकली है, ना कि p पॉइंट पे. हम इसी चीज को एक और तरीके से भी कर सकते थे वर्किंग, उसमें हम क्या करते हैं, ये सेंटर की फील्ड है, बी नॉट कह देता हूँ, डी बी नॉट, डी बी नॉट, डी बी, बी नॉट, बी नॉट, बी नॉट, दिस इज अ फील्ड एट द सेंटर. अभी पी पॉइंट पे नहीं निकाली है मैंने, पी पॉइंट पे निकालता हूँ. तो एक तो वे हमारे पास ये हो गया करने का, मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो वी और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, आप अकॉर्डिंगली मैग्नीट्यूड लिख सकते हो. वी को आर ओमेगा के टर्म में लिखना चाहते हो तो आर ओमेगा के टर्म में भी आप लिख सकते हो. अब दूसरा तरीका क्या था सेंटर पे ही फील्ड निकालने का हमारे पास, हम को मालूम है करंट कैरिंग अगर लूप होता है तो उसके सेंटर पे फील्ड कितनी होती है, उसका फॉर्मूला हमारे को पता है, ठीक है ना, कि करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसकी फील्ड सेंटर पे कैसे निकाली जाती है, दैट फॉर्मूला वी नो. अब मैं पी पॉइंट पे उससे निकालूंगा, फिर सेंटर के उससे कंक्लूड कर दूंगा, तो आपको सिमिलर तरीके से समझ में आएगा. चार्ज से भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं करंट वाले कंसेप्ट से निकालूंगा ताकि वो भी चीज आपको क्लियर हो जाए. तो हम वो करंट निकाल लें और सर्कुलर लूप के सेंटर पे फील्ड निकालते हैं उस करंट की वजह से. करंट को लिख देंगे आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना, और उसके बाद उसे इंटीग्रेट करेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, इसी तरह से हमारे को रिजल्ट मिल जाएगा. चलिए एक बार पी पॉइंट पे पहले निकालते हैं हम करंट के मेथड से, तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं. इसको मैं एक बार रब कर लेता हूं. तो अब हम निकालेंगे पी पॉइंट पे फील्ड करंट के मेथड से निकालेंगे. तो अगर ये डिस्क स्पिनिंग है, इसका हर पार्ट मूव कर रहा है, तो जो करंट होगा हर पोजिशन पे इस रिंग की, वो दिया जाएगा Q by T से, where T is the time period जिसमें ये पूरा 2 pi का angle trace out करेगी, यानी कि एक round complete करेगी. अब T को अगर मैं omega के term में लिखना चाहूँ, तो क्या लिख सकता हूँ? Q can be written as 2 pi by omega. नीचे लिखूँगा 2 pi by omega, तो omega ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा Q omega upon 2 pi. ये हमने current निकाल लिया, ठीक है? अब अगर मान लो Q नहीं गिवन है, लैम्डा के टर्म में गिवन है, तो आपको मालूम है आप Q को लिख सकते हो 2 पाई R इनटू लैम्डा फ्रॉम 1 एंड 2 Q कैन बी रिटन एज, मतलब Q को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, I कैन बी रिटन एज I इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, मैंने एज इट इज लिख दिया, और इस क्यू की जगह पे 2 पाई आर इंटू लेमडा लिख दिया. ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा आर लेमडा या आर ओमेगा लेमडा आप कह सकते हैं. ये हमारे को करंट की वैल्यू मिल गई. अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो करंट फ्लो कर रहा हमारे लिए करंट कैरिंग रिंग हो गया. करंट कैरिंग रिंग के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. पी पॉइंट के लिए अभी से फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी. डायरेक्शन तो अब आपको मालूम है कैसे कंक्लूड की जाती है, करंट वाले में सीखा था, तो मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं मैं आपके लिए. करंट की डायरेक्शन से आपको वो आता है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का वैसे भी डेरिवेशन आपने किया हुआ है. तो ये हो गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन टू, ठीक है. फिर आता है हमारे पास आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है. आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहां से ओ से पी तक का डिस्टेंस जो है वो एक्स है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप.
आई की जगह आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4, तो फ्रॉम 3 एंड 4 बी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2, मैंने एज इट इज लिख दिया, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी एज इट इज लिख दिया, आई की जगह आई की वैल्यू रख दी ओमेगा आर लेमडा, ठीक है, ओमेगा आर लेमडा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसको अरेंज करके लिख दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखते हैं बीपी इक्वल्स टू म्यू नॉट आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब, म्यू नॉट आर क्यूब या म्यू नॉट अपॉन 4π अलग रहने देता हूं, बाकी सारी चीजें म्यू नॉट अपॉन 2 है ना, तो पूरा एक साथ ही लिखता हूं, म्यू नॉट आर क्यूब लेमडा ओमेगा अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, म्यू नॉट आर क्यूब लेमडा ओमेगा, म्यू नॉट आर क्यूब लेमडा ओमेगा अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसी में अगर आप एक्स जीरो कर दोगे तो आपको बी नॉट मिल जाएगा, एक्स को जीरो रख दें, एक्स को जीरो रखते ही आपके पास ये टर्म जीरो हो गया, तो ये आर स्क्वायर ये आर क्यूब हो गया, आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिलेगा म्यू नॉट लेमडा ओमेगा अपॉन टू, ये मिल जाएगा अगर हम जो है सेंटर पे निकाल लें, दिस इज द फील्ड एट द सेंटर, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया। अब अगला जो है हमारे पास है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ स्पिनिंग चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। एक हमारे पास सर्कुलर डिस्क है जिसके पूरे सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, से यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा होगी उसकी, तो हम उसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं सर्कुलर डिस्क की वजह से, उसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट की वजह पे। मान लीजिए ये सर्कुलर डिस्क है, दिस इज द सर्कुलर डिस्क, इसका मैंने एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया जो कि रिंग की शेप में होगा, ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये कंसर्न पॉइंट P हो गया, ये सेंटर O, ये डिस्टेंस x पहले की तरह, ये हमारा शेडेड वाला डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया जिसकी रेडियस मान लो स्मॉल r, इधर मार्क कर, ये रेडियस इसकी स्मॉल, नीचे मार्क कर देता, ये रेडियस स्मॉल r और ये पूरे रिंग के लिए जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, और ये जो थिकनेस है हमारे पास, दिस थिकनेस दिस इज डी आर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम करंट के मेथड से ही चलेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इस छोटे से रिंग एलिमेंट के सर्कुलेशन की वजह से, ये भी ओमेगा से अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही है इस तरह से, इस रिंग एलिमेंट में जो करंट है उस करंट को निकाल लेते हैं डी आई को। अब पिछली बार हमने जो है करंट ऑप्टेन किया था, कितना ऑप्टेन किया था, क्यू ओमेगा बाय 2π, तो डी आई लिख लेते हैं करंट को, क्यू की जगह डी क्यू लिख लो, ओमेगा तो ओमेगा ही है, क्यू ओमेगा बाय 2π के फॉर्म में लिख दिया। अब डी क्यू जो एलिमेंट है वो डी क्यू जो चार्ज है इस एलिमेंट के ऊपर वो कितना हो जाएगा, जितना ये शेडेड पोर्शन का एरिया है
दैट इज 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा करते हैं, ये डी क्यू हो गया हमारे पास। इन दोनों की लाइट में ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम 1 and 2 हमें डी आई की वैल्यू मिल जाएगी, डी आई इक्वल्स टू डी क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं 2 पाई आर सिग्मा डी आर, इस डी क्यू की जगह रख दिया, ओमेगा की जगह ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं, डी क्यू की जगह 2 पाई आर सिग्मा डी आर, ओमेगा की जगह ओमेगा, 2 पाई की जगह 2 पाई। तो डी आई इक्वल्स टू, यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, डी आई इक्वल्स टू ये 2 पाई, ये 2 पाई कैंसिल हो गया हमारे पास, हमारे पास आया सिग्मा ओमेगा आर डी आर, ये डी आई आ गया। ठीक है, अब ये सर्कुलर रिंग जैसा हो गया एलिमेंट हमारे पास, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग हो गया, तो हम करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग के लिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देते हैं। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 डी आई इंटू आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर है रिंग की इसलिए स्मॉल आर लिखा है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पार 3/2। ये हमारे पास डीबी आ गया इसके लिए। और मान लो ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, फ्रॉम 3 and 4 डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डी आई बचा, डी आई की वैल्यू हमने निकाली थी सिग्मा ओमेगा आर डी आर, सिग्मा ओमेगा आर डी आर, इसे थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज करके लिख देते हैं। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 सिग्मा ओमेगा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय 2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय 2। इसके बाद आया आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये डीबी मिल गया हमारे को। अब अगर हम बी निकालना चाहते हैं तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लें। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमें बी मिल जाएगा। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 डी आर, डी आर भी होना चाहिए था, डी आर था लिखा लो मैंने, डी आर विथ आर चेंजिंग फ्रॉम 0 to R। ठीक है, अब इस चीज के इंटीग्रेशन के लिए मान लेते हैं लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये आएगा 2 RDR, 2 RDR, और इधर ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, इधर आ गया आपके पास du। अब b को फिर से अरेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंगली, b इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय 2 इंटीग्रेशन R cube. अब इस R cube को दो पार्ट में कर देता हूं, इस R cube को ऐसे समझ लो R square into R है, तो जो पहला R square है
उस आर स्क्वायर की जगह तो वैल्यू रख देता हूं यू माइनस एक्स स्क्वायर, यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा आर मैंने एज इट इज आर लिख दिया, ये हो गई आर क्यूब की वैल्यू। ये जो नीचे वाला टर्म है इसे हमने माना था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यू, तो ये हो गया यू की पावर थ्री बाई टू, यू की पावर थ्री बाई टू। अब अगर डी आर को यहां से देखो तो डी आर है डी यू बाय टू आर, ये हो गया डी यू बाय टू आर, ठीक है। ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यूज भी चाहो तो बदल लो, चाहो तो रीसब्स्टिट्यूट करके बाद में सेम तरीके से रख सकते हो। देखो जिस समय आपकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो से लेके आर तक थी, जिस समय ये जीरो हो जाएगा स्मॉल आर, तो उस समय यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर। तो लिमिटिंग वैल्यूज अगर चेंज करना चाहते हो सपोज आप, तो यहां पे एक्स की जगह पहले जीरो, सॉरी आर की जगह जीरो रख दो तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर से लेकर के आर, अब जब ये कैपिटल आर हो जाएगा तो यू की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी लिमिटिंग वैल्यूज हो गई इसमें, ठीक है। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूं, फिगर अप कर देता हूं, ऊपर की तरफ अरेंज कर लेते हैं इसे, ताकि आपको एक बार दिख जाए कि आप इसे इंटीग्रेट अच्छे तरह से कर लोगे। b इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय टू इंटीग्रेशन चेंजिंग फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला टर्म है मेरे पास ये टू का हाफ का, वो टू तो मैं यहां ले आता हूं, ये फोर हो गया मेरे पास, ठीक है। ये वाला टू कॉमन लिया, इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक टर्म है u अपॉन u की पावर 3 बाई टू, तो u को डिवाइड किया u की पावर 3 बाई टू से, तो मिला u की पावर माइनस हाफ। दूसरा टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर का, उसको डिवाइड किया तो आया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू की पावर माइनस 3 बाई टू d। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्म है, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार, b इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय 4, इसका इंटीग्रेशन किया, पावर एक यूनिट बड़ी इसकी, तो माइनस हाफ थी, वन जोड़ के हाफ हो गई, हाफ से डिवाइड किया तो वो आया मेरे पास 2 u की पावर हाफ माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसमें पावर एक यूनिट बढ़ी तो माइनस वन बाई टू हो गया, माइनस वन बाई यू की पावर माइनस वन बाई टू, यानी कि वन अपॉन रूट यू कह लू, वन अपॉन रूट यू, इसे भी चाहो तो रूट यू कह सकते हो, टू रूट यू, यू की पावर माइनस हाफ बचा था और बाय माइनस हाफ करना था, माइनस ये हुआ और इंटू टू और आ गया आपके पास, दोनों में यहां पे क्या था यू था, इन दोनों में से टू कॉमन ले लिया, बाहर गया एक टू कैंसिल हो गया। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये जीरो से नहीं, एक्स स्क्वायर से लेकर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। अब म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय टू, इस रूट यू में अपर वैल्यू रखी तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये टू बाहर जा चुका है, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यू की जगह यू की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दी हमने अपर वाली, तो ये आ गया मेरे पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाला ऊपर वाला एक्स स्क्वायर आपके पास,
ये अपर लिमिट रख के आ गया आपके पास, माइनस लोअर लिमिट सकते हैं, जैसे यू की जगह एक्स स्क्वायर लिखा तो ये आ गया मेरे पास 2x, सॉरी 2 तो कट चुका था x, और यहां पे मैंने जैसे ही एक्स स्क्वायर रखा ये 2 तो बाहर ले जा चुका तो ये भी x बना, यानी कि यहां पे आ गया x मेरे पास। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। एक ये आप सिंप्लीफाई अपने आप खुद से करेंगे, और दूसरा एक काम और करेंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेंगे, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसको किसी भी उसके एक डायमीटर के अबाउट रोटेट कराइए और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फीयर की सिग्मा मान लीजिएगा, रेडियस कैपिटल आर मान लीजिएगा, उसको किसी एक डायमीटर के अबाउट स्पिन करा दीजिएगा ओमेगा एंगुलर स्पीड से, और उसके सेंटर पे आपको निकालनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्पिनिंग चार्ज्ड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है ना। ये दो काम आप अपने से करेंगे, जिसको प्रॉब्लम आएगी वो मेरे से पूछेगा, बाकी मैं आपको रिजल्ट भेजूंगा भी डेरिवेशन का, ताकि आप अपने रिजल्ट्स को मैच कर सको। लेकिन कोई कहीं रुक जाता है, उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई वो आइडिया पूछना चाहता है, तो वो मेरे को व्हाट्सअप करके अकॉर्डिंगली पूछ सकता है। इसका भी रिजल्ट मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके, मेरे पास जगह नहीं बची इसलिए सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, तो पूरा एक बार सिंप्लीफाई करके भेज दूंगा। ये हमारा टॉपिक हो गया। अब सिर्फ एक आपको इस टॉपिक में मोटर का मैं आइडिया और दूंगा, पहले उसकी थ्योरी भेज दूंगा आपको, मतलब रिटन नोट्स भेज दूंगा मोटर का, फिर एक बार उसको 2-4-5 मिनट आपसे डिस्कस कर लूंगा कि कैसे क्या, और डिस्कशन में जूम क्लास में कर लूंगा उसका। आपको आपके पास नोट्स होंगे, आपने पढ़ा हुआ होगा तो आसानी से उसका डिस्कशन हो जाएगा। इसके बाद हम क्लासिकल मैग्नेटिज्म पे आ जाएंगे, क्लासिकल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे अब हम, उसमें बहुत मेजर रोल आपका रहेगा। समझने वाली चीज़ें कम है, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो याद करने वाला काम आप करोगे, ठीक। अब क्योंकि मैग्नेटिज्म का पूरा मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ क्लासिकल मैग्नेटिज्म बचा है, तो क्लासिकल मैग्नेटिज्म को छोड़ करके बाकी जितना टॉपिक हमारा हो गया मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला पूरा टॉपिक जो हो गया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब तक का मतलब जो पढ़ाई हो गई है टिल डेट हमारे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, उसका टेस्ट आपका, आज वेडनेसडे है, उसका टेस्ट मैं आपका जो है मंडे को लूंगा। सफिशिएंट टाइम है आपके पास, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो होमवर्क आपका पेंडिंग है उसे कंप्लीट कर लो, कोई डाउट क्वेरीज हो तो पूछ लो, मंडे को आपका टेस्ट होगा इस टॉपिक।